बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मदुर रसूलिल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल कैलकुलस के पार्शियल डिफरेंशिएशन चैप्टर से है। इफ़ u इज इक्वल टू एक्स बाई एफ वाई अपान एक्स, यानी एफ फंक्शन है वाई अपान एक्स का, शो दैट एक्स डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल यू ओवर डेल वाई इज इक्वल टू टू यू। इसको हमें चूँकि पार्शियल डिफरेंशिएशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन के लिए जो यूलर थ्योरम होती है उसको यहाँ पर पहले हम लिख देते हैं, उसको फिर यहाँ पर अप्लाई भी करेंगे। तो हम एक फंक्शन ले रखते हैं जो यू, यहाँ से वो अलग फंक्शन है, यानी एक जनरल फंक्शन की बात कर रहे हैं। इफ़ यू इज ए होमोजीनियस अभी हम आपको बना के दिखा देंगे, हमारा फंक्शन होमोजीनियस है, लेकिन अगर आपको नज़र हम लोगों को अगर ये नज़र नहीं आता है तो उसको हम उसी फार्म में बदल लेंगे जैसे कि होमोजीनियस फंक्शन होता है। तो ये एक होमोजीनियस फंक्शन अगर u हो और इसकी डिग्री जो है वो n हो, तो हम लोग जानते हैं देन y यूलर्स थ्योरम। तो यूलर थ्योरम से हम लोग जानते हैं कि x डेल u ओवर डेल x, यानी u का हम डिफ्रेंशिएशन पार्शली कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, और x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं डेल u ओवर डेल y में, तो इसकी वैल्यू n u के बराबर होती है, यानी जो डिग्री है उसमें इसी u फंक्शन का इंटू हो जाता है। ये हमारा फार्मूला है, इसी का हमें यूज़ करके प्रूव कर देंगे। लेकिन हमारा जो u फंक्शन है यहाँ पर वो हमको दे रखा है, और हमें अभी उस तरीके से ये नहीं है कि एक होमोजीनियस नज़र आए, क्योंकि होमोजीनियस में ये होता है कि जहाँ पर वाई है वहाँ पर भी अपान में एक्स हो। तो ऐसा बनाने के लिए यहाँ पर ऐसा करते हैं कि एक्स से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर एक्स से डिवाइड करेंगे तो वाई अपान एक्स आ जाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि ये फंक्शन जो है बिल्कुल जहाँ जहाँ पर भी वाई है उसके साथ में अपान में एक्स है, तो यहाँ पर भी ऐसा। तो इतना मिला के हम एक फंक्शन इसे कह देंगे और इस फंक्शन का एक नाम दे देंगे, इसे मान लेते हैं कि एक नया फंक्शन फाई हो गया ये पूरा, जैसे ये वाई अपान एक्स का फंक्शन है। तो हम देख रहे हैं कि वाई अपान एक्स में जहाँ जहाँ पर वाई है वहाँ पर एक्स है सेम पावर के साथ में, तो ये होमोजीनियस हो गया, फाई जो है कि होमोजीनियस फंक्शन हो चुका है, जहाँ पर फाई की जो वैल्यू है वो हमने लिखी है, ये वैल्यू है जो ब्रैकेट में वन है वाई अपान एक्स एफ वाई अपान एक्स है। तो ये एक होमोजीनियस फंक्शन हो गया, और ये होमोजीनियस फंक्शन होता है और यू होमोजीनियस फंक्शन है, और इसमें जो मल्टीप्लाई यहाँ पर आ रहा है उससे ये एक्स की जो पावर है वो उसकी डिग्री कहलाएगी। तो यहाँ पर डिग्री ये टू हो गई है, तो हम लिख सकते हैं हेयर डिग्री ऑफ यू इज़ टू, और ये u हम देख रहे हैं कि होमोजीनियस फंक्शन है, एंड u इज़ ए होमोजीनियस फंक्शन। और जब होमोजीनियस फंक्शन हो जाता है तो हम कह सकते हैं y, जो हम ऊपर लिख चुके हैं थ्योरम y यूलर्स थ्योरम। तो यूलर थ्योरम को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यूलर थ्योरम जो होती है जिसकी u अगर n डिग्री का है होमोजीनियस है तो उसके लिए ये वाला फार्मूला लिखता है। तो इसी फार्मूले को हम अप्लाई करेंगे, यानी x डेल u अपन डेल x, हमारा अपर फंक्शन भी u से डिनोट है प्लस, लेकिन वहाँ तो अपना फार्मूला था प्लस y डेल u ओवर डेल y, और राइट हैंड साइड में n u, तो n की वैल्यू यहाँ पर 2 है, तो n की वैल्यू यहाँ पर 2 है क्योंकि ये डिग्री जो है वही n कहलाती है। तो यहाँ पर n की जगह पर 2 रख दें 2u, और हमको यही प्रूव करना था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अलहमदिल्लाहि रब्बिल आलमीन।